85 पर्यंत आणि क्लास मध्ये किती केली होती आपण त्यापैकी 78 पर्यंत. ठीक आहे, 79 सगळ्यांनी सोडवलं आहे. येस नो, काही प्रॉब्लेम नाही त्याच्यामध्ये. चलो 80 पण झाला आहे, तुम्ही सोडवले. 81 82 83 81 चला 81 काय बघू द्या मला. 81 प्रणिता मॉड्यूल दे. शुभांगी तुझी मॉड्यूल कुठे? हां देवगार ठेवली काय तुझी? कुठे आहे निशा? सरांकडून घेऊन ये. हो नाही त्या त्या दीदीची मागच्या दीदीची. 80 किती? 81 मध्ये का? 80 पर्यंत काही प्रॉब्लेम नाही सगळ्यांना. सगळ्यांना क्लिअर आहे? चलो क्वेश्चन नंबर 81 क्या दिया है 81 में कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय क्या है. वेलोसिटी वी वेक्टर इक्वल्स टू साइन टी इंटू आई कैप प्लस कॉस टी इंटू जे कैप. और आपको बोला है एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है. आता हे 1D मध्ये आपण भयानक मेहनत घेतली याच्यावर, त्यामुळे आपल्याला माहिती आहे एवरेज वेलॉसिटी अगर पूछी है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? एवरेज वेलॉसिटी फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा? वेलॉसिटी ही दी है, इसको पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है, इंटीग्रेशन ऑफ गिवन वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाय गिवन टाइम. अब इसको इंटीग्रेट अगर करेंगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा. थीटा का मतलब यहाँ पे टी है, तो साइन टी का इंटीग्रेशन बनेगा माइनस कॉस ऑफ टी. आता हे कुठून आलं हे लक्षात ठेवायचं. जसं 1 + 2 इक्वल टू 3 असतं तसंच साइन टी चं इंटिग्रेशन माइनस ऑफ कॉस टी असतं. आय कॅप की जगह पे आय कॅप रहेगा प्लस कॉस टी का इंटिग्रेशन होता है साइन टी इंटू बनेगा जे कैप. लेकिन हमें लिमिट्स दी है. क्या है लिमिट? फ्रॉम पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक. मतलब यहाँ पे भी लिमिट आएगी पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक डिवाइडेड बाय कौन होगा? डी टी मतलब पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4. या दोन स्टेप करता है का बघून घ्या एकदा. गिवन वेलोसिटी थी बस उसको इंटीग्रेट किया. क्यों इंटीग्रेट करना है? क्योंकि ये कंडीशन ही होती कि वेलोसिटी से एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, उसको इंटीग्रेट करके टाइम से डिवाइड करना पड़ता है. ऐसा कहा क्योंकि वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम वेलोसिटी बोलते हैं. क्लियर? अभी हमें लिमिट पुट करनी है. लिमिट कैसे पुट करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट कितनी है? पाई बाय 2. म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल? माइनस कॉस ऑफ टी होता टीच्या ऐवजी पाई बाय 2 लिहावं लागेल प्लस साइन ऑफ टी होता त्याच्या ऐवजी पाय बाय 2 लिहावं लागेल. ही झाली अप्पर लिमिट यूएल. मायनस काय करायचं आपल्याला? लोअर लिमिट. लोअर लिमिट के लिए भी सेम फॉर्मुला होगा, बस टी की व्हॅल्यू कितनी बनेगी? पाय बाय 4. तो ये बनेगा कॉस ऑफ पाय बाय 4 प्लस साइन ऑफ पाय बाय 4. ठीक है, इसके साथ आई कैप है, इसके साथ जे कैप है. डिनोमिनेटर में कौन है? पाय बाय 2 माइनस पाय बाय 4. ही सबस्ट्रैक्शन येते सगळ्यांना करा बरं. पाय बाय 2 माइनस पाय बाय 4 कोण? आरती. आरती रडल. वा, तिच्या घरचे पण वाट बघताय आरती कधी रडते म्हणून. ठीक आहे, पाय बाय 2 मायनस पाय बाय 4 कितना होता आहे? पाय बाय 4. कसं येतं हे? मल्टीप्लाय करायचं. 4 इंटू पाय 4 पाय, 2 इंटू पाय 2 पाय अपॉन 4 इंटू 2 8. व्हेरी गुड. 4 पाय मायनस 2 पाय 2 पाय अपॉन 8 म्हणजेच तो यही पुट किया है पाय बाय 4. या स्टेप पर्यंत क्लियर आहे का बघून घ्या एकदा. हे क्लियर? अभी देखो पाय बाय 2 म्हणजे किती असतो? 90. अँड पाय बाय 4 म्हणजे 45. तो साईन 91 होत आहे, कॉस 90 0 होत आहे. साईन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2. हे क्लिअर? अभी ये व्हॅल्यूज पुट करनी है बस. क्या होगा देखो, पुट करने के बाद इक्वल टू माइनस कॉस पाय बाय 2 0 हो जाएगा. इसको छोड़ दो, क्या बचेगा? साइन पाय बाय 2 मतलब 1 इंटू कौन है? आई कैप. नहीं एक मिनट, ये आई कैप इसके साथ, ये जे कैप इसके साथ, ये आई कैप इसके साथ, ये जे कैप इसके साथ. मतलब यहां पे कौन बचा? सिर्फ 1 इंटू जे कैप बचा माइनस. आता माइनस इंटू माइनस बनेगा प्लस.
कॉस ऑफ पाई बाय फोर है, कॉस पाई बाय फोर मतलब कॉस 45 कितना है, तो ये बनेगा 1/√2 इंटू आई कैप माइनस इंटू प्लस माइनस साइन 45 मतलब फिर से 1/√2 इंटू जे कैप। अब डिनोमिनेटर में कौन है, पाई बाय फोर है, तो 1/1/4 था, उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिनोमिनेटर में कौन बचा, सिर्फ पाई बचा। अभी देखो जे कैप माइनस 1/√2 इंटू जे कैप क्या होगा, ये 1/√2 इंटू आई कैप एज इट इज रहेगा प्लस 1 माइनस, इसमें से जे कैप अगर कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट में चला जाएगा, इंटू कौन है 4 डिवाइड बाय कौन है पाई। आता एट द एंड क्या करायचं, फक्त आपल्याला 4 ने मल्टीप्लाई करायचं आहे। देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का नंबर आएगा 4/√2, बट आपल्याला माहिती आहे 4 ला आपण असंही लिहू शकतो 2 × 2/√2। फिर इधर का एक 2 है, उसको हम लिखेंगे √2 × √2/√2 कैंसल, 2√2 इज द आंसर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 2√2 आई कैप प्लस ये 4 माइनस 2√2 इंटू जे कैप डिवाइडेड बाय पाई, ये हो गया फाइनल आंसर, ये बन गया आपकी एवरेज वेलोसिटी। व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप बघून घ्या, क्लियर झालं पाहिजे आणि न बघता सॉल्व करायला। मोशिनीने प्लेनला अजिबात इझी घेऊ नका, वाटतो त्यापेक्षा खूप जास्त महत्त्वाचा टॉपिक आहे। सगळ्या नोटबुकमध्ये असंच करते का, पेन्सिलने लिहून रब करायचं परत लिहायचं का बरं, कोमल कुठे आहे, तुषार कळालं बेटा, ही कळाली नाही तुला, लेट आला होता, लिहून घेतलं, लिहून तर घेत जाण बेटा, लिहून घे परत एकदा ट्राय कर, मॉड्यूलमध्ये आहे नाही कळलं तर मला विचार, मी सांगतो इंडिव्हिज्युअल। ये था 81 का 84 होता हा, हाँ ठीक है ठीक है, चल क्वेश्चन तो कळाला करू राव, चलो अब 82 83 83 बर, एटी वन हो गया, 82 भी क्लियर है सबको, प्रॉब्लेम नहीं 82 मध्ये, 82 चा क्वेश्चन सांगू कुठला आहे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय 3t आई कैप प्लस 4t जे कैप, फाइंड डिस्टन्स ट्रैवल्ड बाय इट इन 1, 2, 3 सेकंड। हे यार डाउट आहे कि नहीं है, नहीं है, 82 82 झालं ना, त्यात डाऊट आहे का, मग मी 83 वर येतो तोपर्यंत वेट करा। आगे 83 मध्ये डाऊट आहे, चलो 83 सॉल्व करेंगे। 83 मतलब पोझिशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय आर वेक्टर इक्वल्स टू टी स्क्वेअर बाय 2 आय कॅप, नाही नाही थांब बडबड न करू, यामध्ये कोणाला काय डाऊट आहे का, मी क्वेश्चन रीड करतो एकदा चेक करा, 1-2 नंबर मागे पुढे असेल। पोझिशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय आर वेक्टर इक्वल टू टी स्क्वेअर अपॉन 2 आय कॅप प्लस √t जे कॅप, आहे का डाऊट कोणाला, कोणाला डाऊट असू शकतो, ज्यांनी काल सोडवायचं ट्राय केलंय, का हे सांगितलीच नव्हती सोडवायला, हे सांगितलीच नव्हती सॉल्व करायला, हा क्वेश्चनच नाही तुमच्याकडं, बरं तरी पण सोडू आपण सगळे। क्वेश्चन मी क्या बोला आहे, आर वेक्टर इक्वल्स टू दी आहे टी स्क्वेअर बाय 2 आय कॅप असेल क्वेश्चन, फक्त सिक्वेन्स मागं पुढे होते, रूट ऑफ टी इंटू जे कॅप, और आपको बोला आहे मॅग्निट्यूड ऑफ इट्स ॲव्हरेज ॲक्सलरेशन फ्रॉम 4 to 9 सेकंड। अभी हमें एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए, जैसा एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं R2 माइनस R1 अपॉन T करते हैं, उसी तरह से एवरेज एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, V2 माइनस V1 अपॉन T करना पड़ेगा, बट V दिलच नहीं है, मैं अपन पहले या डिस्प्लेसमेंटला डिफरेंशिएट करूँ V काढणार, इसका डिफरेंशिएशन होगा dr वेक्टर अपॉन dt।
आता डेरिवेटिव घेताना एकच रूल असतो, जसं डेरिवेटिव घेतोय पावर ने मल्टीप्लाय करायचं, पावर मधून वन सबट्रॅक्ट करायचं, ठीक आहे. अब यहाँ पे कौन है, टी स्क्वेयर बाय टू, तो ये वन बाय टू बाजू में रखते हैं. टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर टू थी, टू से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू टी, टू माइनस वन वन बन गया, प्लस ये रूट टी है. अब रूट टी का मतलब होता है टी रेस टू वन बाय टू, तो पावर से मल्टीप्लाई करेंगे वन बाय टू इंटू टी, पावर में से वन को सब्ट्रैक करना पड़ता है, तो वन बाय टू माइनस वन माइनस ऑफ वन बाय टू होता है इंटू जे कैप. क्लियर इतपर्यंत, ठीक है. अब क्या होगा, टू टू कैंसल, क्या बचा फिर, टी इंटू आई कैप प्लस वन अपॉन टू रूट टी जे कैप, ये बन गई वी वेक्टर. आता हे टू रूट टी कुठून आलं हे बघा, टी रेस टू माइनस वन बाय टू न्यूमरेटर में था, इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो टी रेस टू बनेगा प्लस वन बाय टू, एंड प्लस वन बाय टू पावर है मतलब वो रूट होता है, तो ये बनेगा टू इंटू रूट ऑफ टी. क्लियर है. अब अभी वेलोसिटी आ गई, हमें एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए दो वेलोसिटी लगेगी, फिर हम क्या करेंगे, वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस वी वन करेंगे. टाइम क्या बोला है, टी वन इक्वल्स टू फोर सेकंड, तो टी वन अगर फोर पुट करेंगे, वी वन कितना बनेगा, फोर इंटू आई कैप प्लस वन बाय फोर इंटू जे कैप. उसी तरह से टी टू कितना बोला है, नाइन, तो वी टू कितना बनेगा, नाइन ऑफ आई कैप प्लस वन बाय सिक्स इंटू जे कैप. इतपर्यंत बघून घ्या, वन बाय वन क्लियर है सगळं. अभी एट द एंड बस एक्सेलरेशन चाहिए, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, ए एवरेज इज इक्वल्स टू वी टू माइनस वी वन अपॉन टी. अब वी टू माइनस वी वन कर रहे हैं, वी टू कितना है, नाइन आई कैप, उसमें से फोर आई कैप चला गया, कारण आई कैप का कंपोनेंट अपन आई कैप मधून करू शकतो, जे कैप मधून सब्ट्रैक्ट होत नहीं, तो नाइन माइनस फोर, तो ये बनेगा फाइव आई कैप. बाद में वन बाय सिक्स माइनस वन बाय फोर है, इकड़े करून घेऊ त्याला, वन बाय सिक्स माइनस वन बाय फोर है, क्या होगा, फोर माइनस सिक्स अपॉन ट्वेंटी फोर, इकड़े तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ वन बाय ट्वेल्व, टू बाय ट्वेंटी फोर येईल ना, मग टू ने डिवाइड करायचं वन बाय ट्वेल्व, तो ये बनेगा फाइव आई कैप माइनस वन बाय ट्वेल्व जे कैप. टाइम क्या होगा, नाइन माइनस फोर म्हणजे फाइव, यानी कि एवरेज एक्सलरेशन होगा आई कैप माइनस वन अपॉन सिक्सटी इंटू जे कैप. असं का, फाइव ने डिवाइड केलं, फाइव अपॉन फाइव वन अपॉन ट्वेल्व, एंड फाइव भी डिनोमिनेटर में, मतलब ट्वेल्व इंटू फाइव बनेगा सिक्सटी, तो एवरेज एक्सलरेशन हो गया आई कैप माइनस वन अपॉन सिक्सटी इंटू जे कैप. परत एकदा व्यवस्थित बघून घ्या स्टेप बाय स्टेप. असेल पण नंबर इकडे तिकडे होतो, हो गया क्लियर. नेक्स्ट लिहून पण झालं, चला लिहून घ्या. एटी फोर होता ना हा, आता तुम्ही इथून पुढे काउंट करा. हो का, बोर काय होता, टी आय कॅप मायनस रूट टी जे कॅप काय, ठीक आहे, घेतो घेतो, सबको मिलेगा, गडबड नाही. नेक्स्ट 85 हे म्हणजे, हा बर ठीक आहे, लिहा लिहा भगत, लिहून घे बेटा. ओ प्रतीक झोपू नको, चला नेक्स्ट बघत झालं का. 85 आता 85 मध्ये काय दिलंय बघा, पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाय प्लेन विथ वेलॉसिटी, वेलॉसिटी दिली आहे किती, वेलॉसिटी थ्री टी आय कॅप प्लस फोर टी जे कॅप. पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलॉसिटी, कितनी वेलॉसिटी, थ्री टी आय कॅप प्लस फोर इंटू टी
जे कैप, ये गिवन वेलोसिटी है और हमें बोला है कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्सेलरेशन। आता यासाठी आपल्याला थोड़ा सा वेक्टर लागणार आहे। हमने देखा था, देखो ऐसे वेक्टर है, ऐसे बोला है आपको कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो हम इसको क्या लिखते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी, आठवतेगा कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्सेलरेशन, बघा तिकडे ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्सेलरेशन पाहिजे बरोबर। मग पहिले वेलोसिटी वरून इकडे आपल्याला एक्सेलरेशन काढावा लागेल, इकडे वटकन वेलोसिटी के ऊपर से हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव लेके, तो 3t का डेरिवेटिव 3, 4t का डेरिवेटिव 4, हो गया। मॉड्यूल पढ़ ले थोड़े दे। तो कंपोनेंट लेने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या होगा, v वेक्टर डॉट a वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a, करते गए इसको हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ v वेक्टर अलोंग एक्सेलरेशन मतलब a वेक्टर, क्लियर है। आता बघा टाइम पण दिलाय, त्यांनी किती टाइम दिलाय, t इक्वल्स टू 2 सेकंड है ठीक है। तो t इक्वल्स टू अगर 2 पुट करेंगे तो वेलोसिटी की हमें वैल्यू मिल जाएगी, कितनी होगी वैल्यू, 6i कैप प्लस 8j कैप। आता डॉट प्रोडक्ट है तो आपल्याला क्या होगा फिर, 3 × 6 = 18 प्लस 4 × 8 डिवाइड बाय a का मैग्नीट्यूड, तो कितना आ रहा है 50/5 मतलब संपलं। चला घ्या लिहून, पण हे कोणाला कळणार, जे वेक्टरला प्रेझेंट होते त्यांना, वेक्टरला बोंबलले होते तेव्हा काय होईल, मग बघा झालं लिहून चालू केलं बर। म्हणजे ज्यांनी 1D पासून खूप जास्त मेहनत घेतली त्यांना क्लिअर होत असेल की 1D कन्सेप्ट आहे तशा आपण अप्लाय करतोय, फक्त आय कॅप जे कॅप दोन ठिकाणी करायचे। येता 85 का आगे 86, क्या दिया है 86 में, ठीक है घेतो घेतो ठीक है, तुमच्याकडे तिकडे येऊन सांगतो तुम्हाला। चला 86 क्या दिया है, 86 में एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, अभी एक्सेलरेशन दिया है हमें, कितना एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन गिवन है ए वेक्टर, कितना है 3t² आई कैप प्लस 5 × t जे कैप, ये एक्सेलरेशन दिया है। और बोला है चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करो फ्रॉम t = 0 to t = 10 सेकंड। अभी चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करने के लिए पहले हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला लगेगा और वो डिराइव करने के लिए हमें इस एक्सप्रेशन को करना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी क्या मिलेगी हमें, इंटीग्रेशन मध्ये काय करतो बघा, आपण डेरिव्हेटिव्ह मध्ये पॉवर ने मल्टीप्लाय करतो आणि पॉवर मधून 1 सबट्रॅक्ट करतो, इंटीग्रेशन करत असताना पॉवर में 1 ऐड करना है उसी से डिवाइड करना है। तो अभी वेलोसिटी चाहिए एक्सेलरेशन से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा t1 से लेके t2 तक। अब यहां पे इंटीग्रेट करेंगे तो 3t² का इंटीग्रेशन करना है, क्या होगा 3 × t² में 1 ऐड किया t³ उसी से डिवाइड करना पड़ेगा प्लस 5 × t है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो 5t² / 2, तो 3 t³ आई कैप प्लस 5/2 × j कैप एनी लिमिट काय दिली आपल्याला 0 to 10 है का 0 to 10 काय कुठं 0 to 10। अब अपर लिमिट पुट करनी है 10³ 1000 वर इंटू आई कैप प्लस 10² म्हणजेच 250 का माइनस 0 हो जाएगा, बट ये नथिंग बट वेलोसिटी मतलब दो टाइम के बिटवीन की वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी है, 1000 आई कैप प्लस 250 जे कैप, कळलं। चला घ्या लिहून,
कुटला 86 तू त्यांचा कशाला बघते तुझं कुठे आहे मॉड्यूल त्यात किती आहे बघत बडबड नको करू इकडे समोर या तुम्ही दोघं प्रथमेश कळते तुला मी समोर आहे चांगलं कळतं अजून अय प्रतीक तू बराबर 5 मिनिट सुधारणार तुला आज चांगली वाईज दिली डब्यात आज घरच्यांना सांगा डब्यात चांगली देऊ नका म्हणा अजिबात कळाला ना फक्त एनर्जी मिळाली पाहिजे तेवढंच द्या झोप येईपर्यंत नाही तर काही लोक भारी भारी मेस लावून बसले इथून झोपा काढता चला 86 हो गया 87 हो गया क्या लिख के हाँ 87 क्या दिया है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल दिल है परत किती है 40 आई कैप प्लस 90 स्क्वेर जे कैप एंड काय विचारले आपल्याला वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी इफ इट्स वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 1 इज म्हणजे आपल्याला काय करायचे फक्त इनिशियल दिली आहे आणि फायनल काढायची म्हणजे आपण यूज करणार वी इक्वल टू यू प्लस ए टी किती एक्सेलरेशन 40 आई कैप प्लस 90 स्क्वेयर जे कैप इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कौन मिलने वाला है वेलोसिटी अब इंटीग्रेट कैसे करते हैं पावर में 1 ऐड करना है उसी से डिवाइड करना है आता 40 आहे ऑलरेडी तो इसका इंटीग्रेशन होगा 40 स्क्वेयर अपॉन 2 तो 4/2 मतलब बनेगा 2t स्क्वेयर आई कैप प्लस 90 स्क्वेयर है तो ये बनेगा 90 क्यूब अपॉन 9/3 बनेगा 3t स्क्वेयर जे कैप काही टाइम वगैरह दिला है का काय काय टाइम 1 दिला नाही 1 ला वेगळी वेलोसिटी दिली आहे आपल्याला एनी टाइम म्हटलंय ना टी म्हणजे ही अशीच राहील आणि इनिशियल वेलोसिटी म्हणजे यू किती दिली आपल्याला 2i कॅप प्लस ही 1 सेकंदला होती मग आपल्याला फायनल वेलोसिटी पाहिजे मग आपण काय करणार फायनल वेलोसिटी वी वेक्टर इक्वल्स टू ये यू वेक्टर प्लस वी नॉट वेक्टर इन दोनों को ऐड करेंगे पहिले एवढी होती टी इतक्या टाइम नंतर एवढी बनली मग फायनल किती असेल दोन्हींची ॲडिशन तो ऐड करते टाइम आई कैप का कंपोनेंट आई कैप के साथ जे कैप का कंपोनेंट जे कैप के साथ तो क्या होगा 2 + 2t स्क्वेअर वा यामुळे तुला फेल केलं 2 वर्ष 2 + 2t स्क्वेअर 2 (1+t) स्क्वेअर नाही कळलं अरे हे 2 आहे की नाही हे 2t स्क्वेअर आहे इनके ॲडिशन क्या होगी 2 + 2t स्क्वेअर हे 40 स्क्वेअर कसं 4 म्हशी आहेत आणि 4 गाईच्या अंगावर 4 कावळे बसलेत तर आपण त्यांना ऍड करणार का जाऊ द्या सोडून ठीक आहे इनटू आय कॅप प्लस 3 + 3t का क्यूब इनटू क्या आहे जे कॅप तो अभी कॉमन निकाल सकते यहां पे 2 है यहां पे 2 है तो 2 (1+t) स्क्वेअर आय कॅप प्लस 3 (1+t) क्यूब इनटू जे कॅप ये हो गए फाइनल वेलोसिटी फक्त इनिशियल जर दिलेला असेल तर ते आपल्याला ऍड करायचे बर ठीक आहे 1 कोणतं नाही घेतलं तर कसं चालेल काऊन नाही घ्यायचं आपण बरं नाही वाटत होतं हां 1 फक्त मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन मध्ये आपण लिहित नाही तो का 0 थोडी येतो असे प्रश्न कसे येतात बरं नाही घेतलं चालेल का एटी सिक्स होता का 87 होता 88 क्या 88 में हे झाले की लिहून क्वेश्चन असा आहे ऍक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूव्हिंग इन एक्स वाय प्लेन इज गिवन बाय ए एक्स इक्वल टू 2t आणि ए वाय इक्वल्स टू 4 व्हॉट इज द ॲव्हरेज ऍक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम टी इक्वल्स टू 1 टू टी इक्वल टू 3 सेकंड परत तेच करावं लागेल आपल्याला
एक्सेलरेशन के ऊपर से एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अभी डेटा क्या दिया है देखो, आपको सेपरेट दिया है, ए अलोंग एक्स कितना बोला है 2t एंड ए अलोंग वाई कितना है 4। आपल्याला माहिती आहे एक्स च्या अलोंग मतलब आय कॅप, वाय के अलोंग मतलब जे कॅप, तो आपको ए वेक्टर दिया है 2t आय कॅप प्लस 4 जे कॅप। अभी हमें अगर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, एवरेज वेलोसिटी विचार ली ना, एवरेज एक्सेलरेशन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे, उसमें t1 पुट करके v1 आएगा, t2 पुट करके v2 आएगा, फिर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस v1 करके एवरेज एक्सेलरेशन आएगा। तो इंटीग्रेट करेंगे, फिर से इंटीग्रेशन क्या आ गया, टी स्क्वेयर आई कैप प्लस 4 जे कैप, हे कसं आलं परत तेच करतोय आपण, टी की पावर 1 थी, 1 में ऐड किया टी स्क्वेअर अपॉन 2, लेकिन 2 तो कैंसल, काय राहील फक्त टी स्क्वेअर आई कॅप, 4 के साथ में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था मतलब असं होता नाही 4 t^0, कारण एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा 4 t^1/1, मतलब बना 4t j कॅप। आता काय करायचं, t1 इक्वल्स टू कितीला टाइम 1, तो v1 कितनी होगी आई कॅप प्लस 4 j कॅप, t2 कितना आहे v2 कितनी होगी 9 आई कॅप प्लस 12 j कॅप, तो एवरेज एक्सेलरेशन होगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 कराता एवढं। नाइन माइनस वन मतलब 8 आई कैप, 12 माइनस 4 मतलब 8 जे कैप, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 मतलब 2, यानी फाइनल आंसर 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप। घ्या लिहून, एटी एट। नेक्स्ट 89 क्या दिया है, 89 में देखो, पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम, म्हणजे आपल्याला आता इनिशियल पोजिशन दिलेत काय, 2, 3, 2, 3 चा अर्थ काय असतो, 2 आय कॅप प्लस 3 जे कॅप, ये इनिशियल पोजिशन हो गई, मतलब आर ओ वेक्टर हो गया, आणि आपल्याला विचारलंय की विथ वेलॉसिटी, इनिशियल वेलॉसिटी दी आहे, ॲक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल भी दिया है, तो फाइंड पोजिशन ऑफ पार्टिकल ॲट टी इक्वल टू 2 सेकंड। हमें मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट होता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, यू इंटू टी, यू कितना है, हाँ 4i कैप प्लस 5j कैप इंटू क्या होगा टी, ठीक है, और उसके बाद में हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर, बट इसको हम क्या करेंगे वेलोसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टी स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेट करते टाइम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो एक्सेलरेशन दिया है उसके ऊपर से वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, क्या होगी वेलोसिटी बोलो, एक्सेलरेशन कितना है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो गई वेलोसिटी, ठीक है। अब ये वेलोसिटी के ऊपर से हमें निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन, टाइम लिमिट्स दी है क्या, नहीं, डायरेक्ट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड बोला है, ठीक है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमें टी इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, क्या होगा फिर ये 4i कैप प्लस 8j कैप, ठीक है, तो ये कौन आ गया वेलोसिटी वेक्टर, एंड हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है आर वेक्टर, तो क्या होगा ये आर नॉट वेक्टर प्लस वी वेक्टर इंटू टी करना पड़ेगा, तो आर नॉट कितना दिया था पहले 2i कैप प्लस, एंड ये वी थी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब टी से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 8i कैप प्लस 16j कैप, कितना होगा फिर 10i कैप प्लस 19j कैप, ये होगी फाइनल पोजिशन। काय केलं आपण, फक्त एक्सेलरेशन वरून वेलॉसिटी काढली, आणि या वेलॉसिटीला
स्पीड इनटू टाइम कितना अपन डिस्टेंस, ऐसे करके फाइनल टाइम फाइनल मतलब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया, तो उसमें इनिशियल पोजीशन ऐड कर दी तो ये फाइनल पोजीशन आ गई। आंसर तो वेगळेच दिलेत आपल्याला, काय सांगितलं नाही, पोजिशन ऑफ पार्टिकल ॲट टी इक्वल टू 2 सेकंड, म्हणजे आपण डिस्प्लेसमेंट काढले आपल्याला पोजिशन पाहिजे। त्यांनी काढलं तरी चालेल, हे आपण फक्त व्ही टी युनिफॉर्म वेलॉसिटी घेतली आहे, बट वेलॉसिटी युनिफॉर्म नाही आहे, ॲक्सलरेशनच दिलं आहे। ठीक आहे, डायरेक्ट एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेअर से करो, क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए इंटू टी का स्क्वेयर, बट यहाँ पे टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है देखते एक बार क्या आता है। यू कितना दिया है, 4i कैप प्लस 5j कैप इंटू टी मतलब 2 दिया है, 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, नहीं 2ti कैप है ना, 2ti कैप प्लस 3t स्क्वेयर जे कैप इंटू टी स्क्वेयर है, हाँ म्हणजे काय आहे 4 आहे, तो 4i कैप प्लस 5j कैप क्या होगा, फिर से 8i कैप प्लस 10j कैप प्लस, अब ये t मतलब भी 2 है तो 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, 16/2 मतलब फिर से 8i कैप प्लस 3 × 4 = 12, 12/2 = 6, 6 × 4 = 24, जे कैप कितना आ रहा है, ये लिख लो इसको 16i कैप प्लस 34j कैप, लेकिन यहाँ पे लिमिट 0 से लेके 2 तक बोला था, म्हणजे ये आपल्याला काय मिळाली आहे, फाइनल पोजिशन मिळाली, ठीक है 16i कैप प्लस 34j कैप। एक मिनट, जीरो का तो कंसर्न आएगा नहीं क्योंकि सारे टर्म्स टी में है, दोन वेलॉसिटीज दिल्यात, एक मिनिट, त्यांनी क्वेश्चन मध्ये आपल्याला कंडिशन देताना काय दिलं बघा, पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम 2, 3, उसमें इनिशियल वेलॉसिटी ने एक्सेलरेटेड मोशन दी है, तो एस इक्वल टू हाफ ऑफ यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेअर, ठीक आहे हे लिहून घ्या, ते नका लिहू, हे लिहा, ठीक आहे याचे आन्सरचे जे सोल्युशन्स आहेत ते यामुळे डिफरंट आहे, कारण त्यांनी आपल्याला ना ॲक्सलरेटेड मोशन दिली होती, बट नंतर बॉडी युनिफॉर्म वेलॉसिटीने ट्रॅव्हल करते ही कंडिशन दिलेली आहे। क्वेश्चनमध्ये सोडवताना काय केलं बघा, नाऊ आर वेक्टर इक्वल्स टू आर नॉट वेक्टर प्लस व्ही डी टी लिहाय, मतलब वो युनिफॉर्म वेलॉसिटी लिए, लेकिन क्वेश्चन में ऐसी कंडिशन नहीं दी थी कि बाद में वेलॉसिटी युनिफॉर्म हो जाएगी, कळालं ना, त्यामुळे अकॉर्डिंग टू डेटा यही सोल्यूशन रहेगा। अगर उन्होंने बोला होता कि आफ्टर 2 सेकंड इट विल ट्रॅव्हल विथ युनिफॉर्म वेलॉसिटी, तो हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए ये प्रोसेस फॉलो करके वी टी में आर नॉट ऐड करते, बोला हा ना, इथं आपण ऐड का नहीं केलं, कारण त्यांनी आपल्याला वेलॉसिटी युनिफॉर्म राहते 2 नंतर, हे नाही सांगितलं आपल्याला, म्हणजे आपण स्पीड इन टू टाइम केव्हा घेतो डिस्टन्सला, 1D चे स्टार मार्क आठवतं का, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय स्पीड इन टू टाइम, कब बॉडी इज मूविंग विथ युनिफॉर्म वेलॉसिटी, तशी कंडिशन घेऊन यांनी सोडवलंय, पण ती क्वेश्चन मध्ये नव्हती, ठीक है। अब ये क्वेश्चन के लिए ये आंसर लिखो, और जो क्वेश्चन है उसमें बस एक्स्ट्रा की कंडीशन है कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, तो उसको रहने दो। अभी चलो 90 के ऊपर, एग्जांपल नंबर 90, क्या दिया है 90 में, पार्टिकल मूव्स अलोंग पॉजिटिव ब्रांच ऑफ कर्व, वाई इक्वल टू दिया है 2x एंड एक्स इक्वल टू दिया है टी स्क्वेयर, सापड़ लगा 90, और वहां पर बोला है कि वेलॉसिटी ऑफ द पार्टिकल चाहिए एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड। आता इथं कन्फ्युजन काय दिलं बघा आपल्याला, एक्स तो टी के फॉर्म में दिया लेकिन वाई दिया है क्या, नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, देखो वाई इक्वल टू दिया है 2x एंड एक्स इक्वल टू कितना दिया है टी स्क्वेयर, तो इसके ऊपर से हम वाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आएगा वाई 2t स्क्वेयर, कस फक्त या एक्स ला आपण पुट केलंय, तो यहाँ पे हमारे पास x है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो vx आएगी, कितनी होगी 2t,
यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो वी वाई कितना होगा, ये आई कैप के साथ, ये जे कैप के साथ, तो वेलोसिटी कितनी बनेगी फिर, 2t i कैप प्लस 4t j कैप। अभी टाइम दिया है कितना, तो 2 पुट करेंगे तो कितना होगा ये 4 i कैप प्लस 4 इंटू 2 8 j हो गया। चलो हो गया लिख के भगत अलग लिख। नेक्स्ट 91, क्या है 91 में, पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन विथ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी, वी वेक्टर इक्वल्स टू पी इंटू आई कैप प्लस क्यू इंटू एक्स जे कैप। इसका मतलब वी अलोंग एक्स कितनी है पी, वी अलोंग वाई कितनी है क्यू इंटू एक्स, हे कसं कळालं आपल्याला, आई कैप के साथ है वो एक्स के अलोंग, जे कैप के साथ है वो वाई के अलोंग, ठीक है। आणि आपल्याला पुढे म्हटलंय P एंड Q दोनों भी कॉन्स्टंट है एट इनिशियल मूवमेंट, द पार्टिकल इज लोकेटेड एट जीरो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब हम ये Vx को ऐसे लिख सकते हैं dx by dt equals to P, then Vy को क्या लिख सकते हैं dy by dt equals to Qx, इन दोनों को कर देंगे डिवाइड तो क्या होगा, ऐसा उल्टा डिवाइड करें तो dy by dx dt dt कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा फिर qx upon p, करते हैं इतपर्यंत। अभी ये dx को अगर इधर मल्टीप्लाई किया तो dy equals to क्या हो गया qx upon p into dx, now integrate on both side, dy का इंटीग्रेशन y, ये q upon p तर कांस्टेंट है, x dx का इंटीग्रेशन qx square upon 2p, मतलब fourth one, y equals to क्या होगा qx square upon 2p, याला star mark करा, ये equation of trajectory का थोड़ा सा important मतलब अलग question। प्रणीता लीते का सर कोणता प्रश्न येतो, कौन बोल इकड़े का। चलो नेक्स्ट भगत झाले लिहून, भगत सगळ्यात हळू लिहितो ना त्यामुळे भगतला विचारत राहावं लागलं। कशामुळं, हो बरोबर, तो डोक्यापेक्षा मोठा आला कॅमेरा आहे ना। ठीक आहे, नेक्स्ट 92 में क्या दिया है, देखो अब पार्टिकल मूव्स अलोंग पैराबोलिक पाथ विथ इक्वेशन दिया है y इक्वल्स टू p इनटू x स्क्वायर, और आपको बोला है कि इन सच अ वे दैट x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, याचा अर्थ काय होतो, vx रहेगा कांस्टेंट, एंड अगर vx कांस्टेंट है तो ax बनेगा जीरो, मतलब जो प्रोजेक्टाइल की केस होती है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। आणि आपल्याला विचारले एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, अभी अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है और हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो क्या करना पड़ता है, दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी एक बार, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन एक बार। आता याला आपण डिफरेंशिएट करणार आहे वाई इक्वल टू पी इंटू एक्स स्क्वेअर, बट आता इथं थोडंसं कन्फ्युजन असं असतं की आपण डिफरेंशिएट करतो विथ रिस्पेक्ट टू टी, पण इथं व्हेरिएबल टी आहे का, इथं व्हेरिएबल कोण आहे एक्स है, म्हणून आपल्याला एक छोटीशी ऍडजस्टमेंट करावी लागते। बघा काय, वाई का डेरिवेटिव होगा डीवाई बाय डीटी, पी तो कॉन्स्टंट है, त्यांनी सांगितलं क्वेश्चन मध्ये, अब एक्स स्क्वेअर का डेरिवेटिव होता है 2x, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 को सबट्रैक्ट किया, लेकिन आपण डिफरेंशिएट करतोय विथ रिस्पेक्ट टू डीटी, इथं व्हेरिएबल कोण आहे एक्स,
म्हणून या x चा विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला माहित नसतो, म्हणून आपण याला लिहितो dx बाय dt. ठीक आहे, तो यहां पे dy बाय dt का मतलब कौन होगा, vy. अब p एज इट इज रहेगा इंटू टू एक्स, बट dx बाय dt म्हणजे कोण असतो, v along x. ठीक आहे, लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, एक्सेलरेशन. तो क्या करना पड़ेगा, और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. p कांस्टेंट है आता, सॉरी 2p कांस्टेंट है, x dx दोनों भी वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमें u into v का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन वाला. उसमें हम क्या बोलते हैं, u को फर्स्ट फंक्शन, v को बोलते हैं, तो दोन वेरिएबल है मल्टीप्लीकेशन मध्ये असेल आणि आपण त्यांना डिफरेंशिएट करतोय, काय करू लागतो, फर्स्ट फंक्शन म्हणजे u इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड म्हणजे dv बाय dt प्लस सेकंड फंक्शन म्हणजे v इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट फंक्शन म्हणजे डी यू बाय डी टी. यानी आपण सिम्प्लिफाय करू. अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन मतलब कौन है, एक्स, तो ब्रैकेट में उसका डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, मतलब डेरिवेटिव किसका आएगा, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ही स्टेप थोडीशी इम्पॉर्टंट है, बघा मैथ्स वाल्यांचा काही प्रॉब्लेम नहीं है, नीट वाल्यांनी नीट बघून घ्या. यहाँ पे x इंटू वी एक्स दोनों भी वेरिएबल थे, इसलिए हमने ये फॉर्मूला, ये स्टेप यहाँ पे अप्लाई किया, क्लियर है. आता बघा dv बाय dt मतलब एक्सेलरेशन, जिसको हमने पहले जीरो लिखा है, मतलब क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन, a अलोंग y विल बी 2p इन ब्रैकेट x इंटू जीरो मतलब जीरो, प्लस dx बाय dt को हमने क्या बोला था, vx बोला था, तो ये vx इंटू vx क्या बनेगा, यानी कि एक्सेलरेशन बन गया 2p इंटू वी एक्स का स्क्वायर. यानी ये एक्सेलरेशन मतलब ए वाई होगा, क्यों, क्योंकि ए एक्स जीरो है. चलो राइट डाउन, अभी हो गए कंप्लीट, एक बचा है 93 वाला, बट वो ट्रैजेक्टरी कौन सी नेचर की वो फाइंड करना था, मैंने पहले बोला है कि कॉनिक्स का अपन हमारा पार्ट बाकी है, तो उसको रहने देना. तो कंसेप्ट एप्लीकेशन 6 तक सारे क्वेश्चंस हो गए, एक बार चेक करो आपके मॉड्यूल से, चेक इट वंस, कम ऑन फास्ट. Thank you.
चलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर सॉल्व एग्जांपल 94 में डेटा दिया है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यूटी प्लस हाफ ऑफ एट स्क्वायर करना है।
कंसेप्ट एप्लीकेशन 6 के बाद में जो क्वेश्चन आता है सॉल्व एग्जांपल नंबर 94 एवरीवन हैव टू सॉल्व। चलो स्टार्ट।